साधुपुर क्षेत्र के चांदकोठी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में वाटर टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राहुल कस्वा, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेत्री सुमित्रा पुनिया व पंचायत समिति उप प्रधान प्रतिनिधि रामफल लंबोरिया थे। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वा ने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया तथा कहा कि पिछले कुछ सालों से क्षेत्र में झींगा मछली का प्रचलन हो रहा है, किसान इस व्यवसाय को अपना भी रहे हैं। भारत सरकार की स्कीम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में पानी की जांच के लिए मशीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लैब टेस्टिंग शुरू होने के कारण क्षेत्र के आसपास के झींगा मछली का पालन करने वाले किसानों को फायदा होगा। अब उन्हें जिन मछली पालन के व्यवसाय के लिए जो पानी का उपयोग होता था उस पानी की जांच के लिए रोहतक जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर झींगा मछली का व्यवसाय करने वाले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सांसद राहुल कस्वा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रोफेसर बलवीर मेहरा, प्रोफेसर अरुण कुमार सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, पिछले काफ़ी समय से चूरू जिले के अंदर झींगा मछली पालन का प्रचार प्रसार हो रहा है। काफ़ी किसान इसको इस व्यवसाय को अपना भी रहे हैं। इसी के तहत हमने भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसके तहत एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी और कम ट्रेनिंग सेंटर खोलने का एक व्यवस्था थी, वही हम स्कीम लेके आए थे। और उस स्कीम के तहत हमने चांदकोठी के अंदर भारत सरकार की 2 करोड़ रुपए के लगभग की लागत से ये लैब बनने का काम हमने शुरू किया था। आज ये बन के तैयार हो गई है, बिल्डिंग का पार्ट तैयार हो गया, इसमें ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा और लैब के इक्विपमेंट्स आने बाकी हैं। वो आने के बाद में ये झींगा मछली पालन के लिए जो हमें टेस्टिंग करानी पड़ती थी, इसके लिए हमें पहले जाना पड़ता था रोहतक के अंदर, आज वो काम चूरू जिले के सभी किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी में व्यवस्था उसकी हो जाएगी। झुंझुनू है, आसपास के और क्षेत्र भी हैं पूरे राजस्थान में। भारत सरकार के द्वारा दिया गया पैसा और ये लैब का काम एक ही मात्र है और वो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के चांदकोठी गांव में हो रहा है। छात्रों को प्रयोग ज्ञान के लिए हम लोग करते हैं कि पहले उनको लेबोरेटरी से अवगत कराया जाए और कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ सकें। ये सांसद जी का है, इन्होंने अपने प्रयास से, अथक प्रयास से, जहाँ 2 ही लेबोरेटरी सेंक्शन हुई तो एक लेबोरेटरी आपके चूरू जिले में उपस्थित यहाँ पर बनी, और जिससे कि जो चूरू जिले में जो खारा पानी है जो कि हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, अब उसको हम उपयोगी कर सकेंगे। और अपने छात्रों के साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग लाने की बात है कि हम मछली को, हम जो कृषि को, मत्स्य पालन को हम उद्योग का दर्जा दे सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को, किसान भाइयों को जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको उचित लेबोरेटरी में उनको ट्रेनिंग देकर हम किस तरह से झींगा मछली पालन का बढ़ा सकें और देश ही नहीं विदेशों में अधिक आय अर्जित कर सकें। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि अपने राजस्थान राज्य में एक ही लेबोरेटरी है जो चूरू जिले में यहाँ पर बनी हुई है। केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है जिसमें बाजरे की बनी हुई लगभग जो चीजें हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी कड़ी में निवेदन रहेगा डॉक्टर बलबीर सिंह जी।